स्टेडियम ऑडियंस से भरा हुआ था। तो कई लोग रेड को चेयर अप कर रहे थे, कई लोग एस को। तभी रेफरी बोलता है पहले रेड को पोकन चुनने का मौका मिलेगा, और रेड सबसे पहले अपने इलेक्ट्रिक टाइप पोकन जोल्टेन को निकालता है, और फिर ऐश अपने ग्रांच अप को चुनता है। रेड को पता था अब जोल्टेन के इलेक्ट्रिक मूव्स नहीं चलेंगे, इसलिए रेड जोल्टेन को हाइपर बीम करने को बोलता है। तभी ऐश भी अपने ग्रांच अप को ड्रैगन रेज करने को बोलता है, और एक धमाका होता है और दुआ शांत होते जोल्टेन तुरंत से स्वीप अटैक कर देता है। तभी ऐश का ग्रांच अप अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव ड्रैकोमीटर करता है, और उस ड्रैकोमीटर को जोल्टेन सह नहीं सकता, वो हार जाता है। फिर ऐश बोलता है बहुत अच्छे मेरे दोस्त ग्रांच अप, लेकिन रेड बोलता है ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, लास्ट चॉइस बाहर आओ। ऐसे रेड दोनों में से कोई भी बैटल में अपने पोकों को चेंज नहीं कर सकता था, इसलिए ऐश तुरंत अपने ग्रांच अप को डिक अटैक करने को बोलता है। लेकिन रेड बड़ी चालाकी से अपने ब्लास्टोइस को अर्पित करने को बोलता है, इसे ग्रांच अप बाहर आ जाता है, लेकिन वो बहुत ही जख्मी हो जाता है। फिर ऐश सोचता है अब इसे जल्दी से ख़त्म करना होगा, वरना ग्रांच अप हार सकता है। ऐश अपने ग्रांच अप को ड्रैकोमीटर करने को बोलता है, लेकिन जैसे ही ग्रांच अप ड्रैकोमीटर करने जाता है कि रेड का ब्लास्टोइस तुरंत से हाइड्रोबम करके ड्रैकोमीटर को रोक लेता है, और फिर रेड ब्लास्टोइस को तुरंत से आइस बीम करने को बोलता है, और वो आइस बीम ग्रांच अप को लग जाता है, और ग्रांच अप जमीन पर ढेर हो जाता है। अब यह सोचता है इसके पास आइस बीम भी है, इसलिए किसी और को चुनने का फायदा नहीं है, इसलिए पिकाचू जाओ जल्दी से। और फिर ऐश पिकाचू को थंडर बोल्ट अटैक करने को बोलता है, लेकिन ब्लास्टोइस वो थंडर बोल्ट से बच जाता है, और रेड फिर से ब्लास्टोइस को अर्थक्वेक करने को बोलता है, लेकिन इस बार ऐश को पिकाचू जम करके तुरंत से बच जाता है, और बहुत ही स्पीड से ब्लास्टोइस के सिर पर आयरन कैन मार देता है, जिससे ब्लास्टोइस को बहुत ही जोर से लग जाती है। लेकिन फिर रेड ब्लास्टोइस को हाइड्रो पंप करने को बोलता है, लेकिन ऐश पिकाचू को तुरंत से वॉल टैकल करने को बोलता है, और पिकाचू की स्पीड बहुत ही तेज थी, जिससे पिकाचू वो हाइड्रो पंप को चीरते हुए ब्लास्टोइस को वॉल टैकल मार देता है, और ब्लास्टोइस हार जाता है। फिर रेड बोलता है अब मैदान को हिलाना ही पड़ेगा, स्नोलैक्स बाहर आओ। रेड का स्नोलैक्स नॉर्मल स्नोलैक्स से बहुत ही बड़ा एंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, लेकिन ऐसे सब नहीं सोचता, और पिकाचू को थंडर बोल्ट करने को बोलता है, लेकिन स्नोलैक्स को कुछ नहीं हो रहा था। पिकाचू आयरन टेल करता है, फिर भी स्नोलैक्स को कुछ नहीं हो रहा था। सब सोचने लगते हैं रेड कुछ कर क्यों नहीं रहा, लेकिन जैसे पिकाचू वॉल टैकल करने जाते हैं कि रेड का स्नोलैक्स एक बहुत ही तबाही वाली हाइपर बीम करता है, और पिकाचू को हाइपर बीम लग जाती है, और पिकाचू एक ही हिट में जमीन पर गिर जाता है, और पिकाचू भी हार जाता है। फिर ऐश सोचता है अब तो लुकारो को ही दाल गलेगी, लुकारो बाहर आओ। और फिर जैसे ऐश लुकारो को बाहर निकालता है, और फिर ऐश लुकारो को मेगा इवॉल्व कर देता है। ऐश का मेगा लुकारो बहुत ही तबाही वाला था। फिर ऐश अपने मेगा लुकारो को ऑरा स्पेयर करने को बोलता है। रेड को लगा कि स्नोलैक्स को कुछ नहीं होगा, लेकिन वो ऑरा स्पेयर स्नोलैक्स को इतना जोर से लगता है कि स्नोलैक्स दीवाल में घुस जाता है। रेड लुकारो की पावर देखकर चौंक जाता है। फिर रेड बोलता है स्नोलैक्स अब खड़ा हो जाओ। स्नोलैक्स की आंखों में एक अलग ही गुस्सा था, और बहुत ही खतरनाक वाला गुस्सा था। और फिर रेड स्नोलैक्स को फायर पंच करने को बोलता है, और वो फायर पंच लुकारो को इतना खतरनाक लगता है कि लुकारो हवा में ही उड़ जाता है। लेकिन ऐश लुकारो को ऊपर से ऑरा स्पेयर मारने को बोलता है, और ऑरा स्पेयर स्नोलैक्स को लग जाती है, और फिर लुकारो नीचे आ जाता है। और फिर लुकारो बोन रूस्ट एंड स्नोलैक्स मेगा पंच करता है, जिससे दोनों के अटैक टकराते हैं। और फिर लास्ट में लुकारो एक बहुत ही खतरनाक ऑरा स्पेयर करता है, और स्नोलैक्स भी एक बहुत ही तबाही वाली हाइपर बीम करता है। ऐसा लग रहा था कि दोनों का लास्ट अटैक होगा, और बिल्कुल ही तबाही होने वाली थी, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, और धुआं ही धुआं होता है। और फिर जैसे धुआं शांत होता है, तो दोनों पोकेमॉन जमीन पर गिरे हुए थे। अब रेड को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अपने पिकाचू को चुनता है। अब ऐश को पता था, इसलिए ऐश अपने स्क्रैपटाइल को निकालता है। स्क्रैपटाइल पहले लिप ब्रेक मारता है, लेकिन पिकाचू आराम से बच जाता है। रेड के पिकाचू की स्पीड देखकर ऐश चौंक जाता है। फिर रेड पिकाचू को थंडर करने को बोलता है, तो थंडर अटैक स्क्रैपटाइल को बहुत ही जोर से लगता है। वो ग्रास टाइप है, फिर भी रेड के पिकाचू की पावर बहुत ही तबाही वाली थी। फिर रेड का पिकाचू थंडर बोल्ट करने जा रहा था कि ऐश का स्क्रैपटाइल सोलर बीम कर देता है, जिसे दोनों के अटैक टकराते हैं, और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, लेकिन कोई हार नहीं मानता। लेकिन फिर रेड का पिकाचू वॉल टैकल करने को जाता है, और स्क्रैपटाइल एक बहुत ही तबाही वाली लिप ब्रेक मारने को जाता है, लेकिन इस बार ऐश का स्क्रैपटाइल पिकाचू की स्पीड को रोक लेता है, और वो वॉल टैकल भी रुक जाता है, और वो लिप ब्रेक पिकाचू को इतनी तबाही तरीके से लगती है कि पिकाचू एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है, और पिकाचू भी हार जाता है। अब रेड के अंदर की आग जल रही थी, और उसे बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ रहा था, इसलिए रेड अपने चार्जर को निकालता है। ऐश स्क्रैपटाइल को कुछ अटैक करने को बोले,
उससे पहले चार्जर फ्लेम थ्रोअर करके स्क्रैप्टल को जमीन पर गिरा देता है और स्क्रैप्टल हार जाता है। फ्रेश बोलता है अब टाइम आ गया है, ग्रेंजा पार आओ। फ्रेड अपने चार्जर को मेरे बल कर देता है और ग्रेंजा वाटर गन करता है, लेकिन चार्जर बच के ड्रैगन रेज कर देता है, लेकिन ग्रेंजा भी डबल टीम करके बच जाता है। और फिर उसी वक्त एश और ग्रेंजा भी बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है और फिर बॉन्ड ग्रेंजा तुरंत से हाइड्रो बम भी कर देता है और चार्जर एक्स ओवरहीट करता है, इससे दोनों के अटैक एक दूसरे को लग जाते हैं, इससे दोनों को बहुत ही बड़ा डैमेज होता है, लेकिन कोई हार नहीं मानता। फिर चार्जर फ्लेम थ्रो मारता है और ग्रेंजा वाटर गन, लेकिन दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन अब ग्रेंजा अपना जॉइंट वाटर शुरुकेन करता है और चार्जर ओवरहीट और दोनों के अटैक एक अलग ही लेवल के थे, जिससे दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और थोड़ी देर के बाद मिट्टी उठना शांत होती है तो ग्रेंजा और चार्जर दोनों ही जमीन पर पड़े थे और एस भी बेहोश हो गया था, क्योंकि एस ग्रेंजा के साथ बॉन्ड था इसलिए एस भी कमजोर हो गया था। फिर एक घंटे का रेस्ट टाइम खत्म होने के बाद दोनों वापस आ जाते हैं। फिर एक बोलता है अब ये बैटल को खत्म करना पड़ेगा। मीठू बार आओ। रेड का गुस्सा सरपास हो गया था और इसीलिए एस भी अपने चार्जर को चुनता है। रेड मीठू को साइड अटैक करने को बोलता है, इससे चार्जर की बहुत ही बुरी हालत हो जाती है, चार्जर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर चार्जर के अंदर से एक आग निकलने लगती है और चार्जर पूरे का पूरा आग का हो जाता है और धीरे धीरे चार्जर चेंज हो रहा था। सब सोचने लगते हैं कि क्या हो रहा है चार्जर को। फिर चार्जर के आसपास की आग धीरे धीरे शांत हो जाती है और चार्जर पूरी का पूरा चेंज हो जाता है। तभी वो स्टेडियम में बैठा था और जोर से चिल्लाता है, चार्जर अल्टीमेट फॉर्म। ऐसे सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, फिर ऐसा समझ गया अभी अल्टीमेट चार्जर बन गया है। और फिर ऐसा चार्जर म्यूटू को एक फायर ब्लास्ट मारता है, जिससे म्यूटू हक्का बक्का हो जाता है। रेड सोचने लगता है चार्जर की ऐसी पावर तो मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन म्यूटू खत्म कर दो उसे। लेकिन जैसे म्यूटू चार्जर के पास आता है कि चार्जर म्यूटू को आराम से रोक लेता है अपने दोनों हाथों से और फिर अल्टीमेट चार्जर सेस्मिक टॉक करता है और फिर अल्टीमेट चार्जर म्यूटू को घुमा घुमा के जमीन पर फेंक देता है और म्यूटू को सेस्मिक टॉक बहुत ही खतरनाक तरीके से लग जाता है। लेकिन म्यूटू फिर से खड़ा हो जाता है और फिर म्यूटू को भी बहुत गुस्सा जाता है, इसलिए म्यूटू भी एक बहुत ही बड़ा खतरनाक शैडो बॉल करता है और चार्जर भी ओवरहीट होता है। और इस बार एस के चार्जर का ओवरहीट भी बिल्कुल ही तबाही वाला हो गया था और एक बहुत ही बड़ा तबाही वाला धमाका होता है। इसकी वजह से स्टेडियम में लगी सभी लाइट भी टूट जाती है, इसे कुछ नहीं दिखता। स्टेडियम में बैठे सब लोग सोचने लगते हैं कि कौन जीता, कौन हारा, कौन जीता, लेकिन मिट्टी बहुत ही उड़ रही थी जिसे किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था, इसलिए पता नहीं चल रहा था कि कौन जीता। फिर मिट्टी थोड़ी देर के बाद उतना शांत हो जाती है, तभी पता चलता है दोनों अभी भी खड़े हैं। सभी देखकर चौंक जाते हैं, लेकिन फिर म्यूटू तुरंत से जमीन पर गिर जाता है और चार्जर जीत जाता है और इसी के साथ एस भी जीत जाता है और एस बन जाता है न्यू पोकेमोन मास्टर, जिसने वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर को हरा दिया और अब एस बन गया पोकेमोन वर्ल्ड का न्यू पोकेमोन मास्टर।